कार्ड इसके फीचर्स और बेनिफिट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। जानते हैं IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक भारत के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में से एक है, जो IDFC का ही एक हिस्सा है। यह जुलाई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद BSE और NSE मार्केट्स पर भी लिस्टेड है। IDFC बैंक चार अलग अलग कैटेगरीज में क्रेडिट कार्ड्स प्रदान करता है, फर्स्ट क्लासिक, फर्स्ट सिलेक्ट, फर्स्ट वेल्थ और फर्स्ट मिलेनिया। अब जानते हैं इसके कुछ यूनिक बेनिफिट्स के बारे में। ये देता है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट्स में। सभी फ्यूल स्टेशन पर 200 रुपए तक के फ्यूल खरीद पर 1% कैशबैक पाए। रेलवे और एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज एक्सेस। मूवी टिकट्स और रेस्टोरेंट्स के बिल्स पर डिस्काउंट्स पाए। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 100% डिजिटल है, जिससे कोई भी आसानी से कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इस कार्ड को पाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। आपका कस्टमर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। कस्टमर सैलरीड है तो उनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और उनका मंथली इनकम 30,000 रुपए तक होना चाहिए। यदि कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनकी उम्र 25 से 65 साल तक होनी चाहिए और ई मैंडेट के साथ 5,00,000 रुपए से ज्यादा का ITR फाइलिंग होना चाहिए। इसके साथ कस्टमर का सिबिल 710 से अधिक होना अनिवार्य है। अब देखते हैं आप अपने कस्टमर को IDFC क्रेडिट कार्ड कैसे दिलवा सकते हैं। बैंक साथी ऐप के ब्रांच सेक्शन में जाए और IDFC क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स खोले। इसके बाद सारी डिटेल्स ध्यान से पढ़ें और लिंक अपने कस्टमर के साथ शेयर करें। आपके कस्टमर को उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहें और अपनी बेसिक डिटेल्स सबमिट करने के लिए कहें, जैसे कि उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी का पिन कोड और स्टार्ट जर्नी नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद का प्रोसेस खुद कस्टमर को ही पूरा करना है। कस्टमर को IDFC क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से उन्हें एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करना है। सबसे पहले कस्टमर को आधार कार्ड के मुताबिक अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंटर करना है और OTP जनरेट करना है। इसके बाद मोबाइल पर मिला OTP एंटर करें, टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार करने के लिए चेकबॉक्स में क्लिक करें और आगे बढ़े। पैन कार्ड नंबर एंटर करें और जेंडर, करंट एड्रेस, पिन कोड ये चीजें सबमिट करके प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स जैसे ऑक्यूपेशन, कंपनी का नाम, नेट मंथली सैलरी ये डिटेल्स सबमिट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। कस्टमर के एलिजिबिलिटी के हिसाब से सिस्टम अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के ऑप्शन देगा। उनमें से कोई भी एक मनपसंद कार्ड को चुने, इसके डिटेल्स देखें और गेट योर कार्ड पर क्लिक करें। अगले स्टेप पर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। कस्टमर एक बात का ध्यान रखें, आप जो भी कार्ड चुनेंगे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट सबमिट करें, जैसे बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट या लेटेस्ट ITR या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अपलोड करें। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स जैसे नाम, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स डिटेल्स सबमिट करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अगले स्टेप पर ऑफिस डिटेल्स सबमिट करें, जैसे एड्रेस, फोन नंबर, ऑफिस ईमेल आईडी, फिर कार्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद KYC पूरा करें, इसके लिए आधार कार्ड नंबर एंटर करें, फिर मोबाइल नंबर पर मिले OTP को एंटर करके वेरीफाई करें। वीडियो KYC पूरा करने के लिए कस्टमर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। अगर तुरंत वीडियो KYC पूरा करना है तो कनेक्ट नाउ पर क्लिक करें। यदि इसे कुछ समय बाद पूरा करना है तो इसे स्केड्यूल करें। वीडियो KYC पूरा होने के बाद सिस्टम द्वारा फाइनल वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि कस्टमर सारे जरूरत क्राइटेरियाज को मैच करता है और उनके डॉक्यूमेंट सही है तो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और 14 से 20 दिन के अंदर कस्टमर को अपना IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। IDFC क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो कस्टमर के पास उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ का होना जरूरी है। एडवाइजर्स के लिए कुछ जरूरी बातें जिनको उन्हें कस्टमर्स को अप्रोच करने से पहले ध्यान में रखना है। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है। आपके कस्टमर को आपके बैंक साथी लिंक का उपयोग करके ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए।
बैंक सत्य लीड और खाता खोलने के फॉर्म में एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। एक ही डिवाइस से एक से अधिक खाते ना खोलें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आएगा। बैंक साथी ऐप पर और भी नए प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लीड बनाएं और घर बैठे अर्न करें।